Hello student and welcome back to my channel. Today we will start new exercise that is exercise 9.4 जिसमें हम क्या देखेंगे कि how to multiply the terms. So let's start. Question number first is multiply the binomial. अब आपको binomial दे रखी है यानी कि दो terms हैं binomial, इन दोनों को आपको क्या करना है multiply. तो देखिए multiply कैसे करेंगे. 2x प्लस 5 एंड की प्लेस पे मल्टीप्लाई लगाओ या फिर ऐसे लिख दो. अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है. अब मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक नंबर से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करिए, इसे ब्रेक करके लिख लीजिए. 2x से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वैसे लिख लिया, ये यहां लिख दिया. अब प्लस 5 यहां लिख दिया और सेम 4x प्लस माइनस 3 लिख दिया. इससे क्या हुआ कि एक नंबर से यानी कि इस नंबर से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर इससे भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे. तो पहले मैंने इसके साथ इस पूरे को उतार लिया, फिर इसके साथ इस पूरे को उतार लिया. इससे आपको इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में. 2 4 8 एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस एज इट इज 5 4 20x प्लस माइनस 5 3 50 ये आ गया. अब देखिए 8x² एज इट इज, ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स है, इन्हें सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 6 इज 14x और साइन इज बड़ी डिजिट माइनस 15 एज इट इज. तो ये आपके पास दोनों को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आए. अब करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड देखिए कैसे करना है, सेम उसी तरीके से है. वाई माइनस 8 3y-4. अब सबसे पहले y लिख लीजिए और ये डिजिट पूरा का पूरा एज इट इज उतार दीजिए. माइनस 8 लिखिए, ये दोबारा उतार लीजिए. नाउ y को y से y स्क्वायर 3 एज इट इज, y को 4 से 4y साइन एज इट इज. अब ध्यान दीजिएगा माइनस यहां कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस 8 3 24y माइनस माइनस प्लस 8 4 32. हमेशा साइन का ध्यान रखना है. अब देखिए 3y² दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस 24 एंड 4 इज 28y साइन बड़ी डिजिट का 32 एज इट इज. ये आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन. अब करते हैं थर्ड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज 2.5l-0.5m एंड 2.5l+0.5m. तो बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज हो सकती है. इस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, बट ये एक्सरसाइज बिफोर आइडेंटिटी है तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे. बट अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ यूज होती है तो इन एग्जाम यू कैन यूज दैट आइडेंटिटी, ठीक है. पर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया. 2.5l पहले तो माइनस 0.5m 2.5l प्लस 0.5m. अब वही लिख लीजिए 2.5l ब्रैकेट में ये पूरा, फिर माइनस 0.5m उतारिए और ये दोबारा 25 × 25 हमें पता है 625. आपने स्क्वायर रूट पढ़े हैं, पॉइंट के बाद वन डिजिट, यहां वन डिजिट यानी कि 1 2 2 डिजिट के आगे पॉइंट. l कितने हैं, l स्क्वायर प्लस 25 5 = 125. पॉइंट के बाद वन डिजिट टू डिजिट के बाद डेसिमल. एल और एम को मल्टीप्लाई करेंगे, एल एम. ठीक है बच्चों, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे. नेक्स्ट अगेन 25 5 = 125. पॉइंट के बाद वन डिजिट टू डिजिट हो गई तो 1 2 यहां डेसिमल साइन माइनस एल एम. माइनस प्लस माइनस 5 5 = 25 डेसिमल 0.5 0.5 यानी कि 2 डिजिट से पहले m का m स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए लाइक टर्म्स ये दोनों हैं, ये एज इट इज
प्लस माइनस माइनस तो सेम कट गए, आपके पास क्या आया 0.25 m2। देखिए इन दोनों को माइनस करते जीरो आता, तो वो हमने वैसे ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये किया हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।